बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ गोला कबाब, जिसके लिए मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है और इसको मैंने जो है पानी अच्छी तरीके से निकाल लिया है इसका, और इसके साथ जो चर्बी लगी हुई होती है उसको भी मैंने रिमूव करने की कोशिश की है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको इसमें ग्राइंड करेंगे अच्छी तरीके से, इसको हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल तरह
लिया है। ओके, तो ये हमने इसमें पहले का जो धुआ दिया है ये इसका ढक्कन, और अब ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें बारबेक्यू का जो है वो फ्लेवर आ चुका है। और अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बड़े कबाब नहीं बनाने हैं, हमें इसके छोटे छोटे से कबाब बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से सीखों पर मैं इसके कबाब बना रही हूँ। और आप देखेंगे कि मैं जो है वो एक हाथ से बनाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं इसको सारे कबाब बना के फिर आपको दिखाऊंगी। ओके जी, तो ये हमारे सारे कबाब हो गए हैं तैयार, और अब मुझे इसको फ्राई करना है। और इसके लिए मैंने डिश जो है वो पहले से रेडी की हुई है, तो अब हम इसको तैयार करने जा रहे हैं। इसको मैं फ्राई करूँगी और बहुत ही जो है वो आँच जो है वो मीडियम रखी है, और तेल जो है वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर हल्का गर्म होगा तो ये पकना शुरू हो जाएगा। इसके लिए क्योंकि इसमें ना तो हमने अंडा डाला है और ना ही हमने कोई इसकी कोटिंग की है, तो इसके लिए हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है कि हम इसको तेज़ आँच पे फ्राई करें। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगा और आप बहुत एंजॉय करेंगे इसे। इसको अब हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो छोड़ देंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे क्योंकि इसे ये टूटना शुरू हो जाएगा। और हमारी डिश जो है वो हो गई है तैयार, कोला कबाब की। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के लग रहे हैं, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, जूसी है। और हाँ, तो बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग के कबाब कैसे बने। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।